मैनपुरी सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी घोषित हुए पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी पहुंचकर मां शीतला देवी मंदिर में बैंड बाजों के साथ पूजा की। इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 2022 चुनाव में अखिलेश यादव विदेश में होंगे, पार्टी खत्म होगी, दुर्गति बसपा की हुई, सपा की भी वही होने जा रही है। अखिलेश यादव की करहल सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कहा, अखिलेश को प्रदेश में कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा है, अपना जातीय गणित बिठाकर करहल में आने का प्रयास किया, सफल होने वाले नहीं है। वहीं पार्टी कार्यालय पर भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार भव्य स्वागत किया। पार्टी की ये सीट खाते में गिर रही है, क्या किस तरीके से फाइट होगी आपकी? आज की तारीख में मैनपुरी सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 5 साल में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकार ने लोक कल्याण के लिए जनहित की तमाम योजनाओं के द्वारा जन जन को बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक, जाति भेदभाव के हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसको समाज में मुख्य धारा में लाने का काम किया, विकास की योजना देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कानून और व्यवस्था के कार्य में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व जिस प्रकार से वातावरण बनाया है, हर आदमी तो कल तक लाठी पार्टी से, गुंडई से, तमंचों वालों से डरता था, दिन में घर पहुंच जाता था, शाम को लूट पटाई होती थी, रात को किसान पानी अपने खेत में लगा पाता था, उनसे मुक्ति देने का काम योगी जी ने किया है। और आज प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गुंडे पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके हैं, जेल के अंदर हैं या प्रदेश से बाहर हैं, उसी का परिणाम होगा कि जन जन का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसी के अंतर्गत उसी हिसाब से मैनपुरी पर भी प्रचंड विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना